हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, और आपकी एनसीईआरटी गणित से जो इस साल के लिए मोस्ट आईएमपी है, तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप हर चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन परीक्षा के पहले देख सकते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, आईएमपी क्वेश्चन हमेशा आईएमपी ही होता है, तो आप इससे निश्चिंत रहिए। चाहे आप बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, बस आपको इन प्रश्नों को अच्छे से करके जाना है, क्योंकि मैं काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो आपके मॉडल पेपर अलग अलग पब्लिकेशन में इस साल के लिए मोस्ट आईएमपी है, तो आपको इन्हें अच्छे से कर लेना है। तो एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन या इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अगर आप इनको समझ लेंगे तो ये समझ लीजिए आपने पूरा अध्याय समझ लिया है, और उसका निचोड़ इन वीडियो के अंदर है। तो आज हम चैप्टर 3 का निचोड़ लेके आए हैं, जिसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो पूरा चैप्टर है। तो परीक्षा टाइम में हम क्या करते हैं, मेन मेन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, ताकि हमारा रिविजन होता रहे और हमारी पकड़ अच्छी रहे उन क्वेश्चन को करने की। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें इस लेवल तक की तैयारी करनी होती है कि बोर्ड एग्जाम में हमारा आंसर भी गलत ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम आंसर तो कर आते हैं पेपर में, लेकिन हमें डाउट रहता है कि क्या हमारा उत्तर सही आया है। तो प्रैक्टिस इस लेवल की करो कि आंसर तक याद हो कि यार इसका आंसर यही था, मैंने पढ़ा था। इसलिए मेन मेन क्वेश्चन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो आप इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हो, और मैं हर चैप्टर का निचोड़ करवा रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है उसको करते हैं, ठीक है। तो काफी बच्चों ने कमेंट भी किए थे कि सर इस तरीके की सीरीज बनाइए, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। ये देखो चैप्टर 3 में जो आईएमपी सवाल है, पहले मैं दिखा देता हूँ, ये कि पेंसिल वाला इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इसके साथ साथ आप देख सकते हो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और पूछे ही जाएंगे, इन्हीं में से आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये देखिए संगत है कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि का एक सवाल तो आएगा, तो विधि क्या है गहराई से समझेंगे, सब कुछ समझने वाले हैं। ये देखो प्रतिस्थापन विधि के दो सवाल मैंने लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि मैंने जो कुछ भी गेस किया है सीधा सवाल ही पेपर में आ जाता है, तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए। ये देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण विलोपन विधि भी इसमें इंक्लूड है, तो सब चीजों का रिवीजन कुछ इबारती सवाल है जिनको हम आज सीखने वाले हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा चैप्टर 3 का, और आप इतने सवालों को करने के बाद इससे मिलते जुलते सवाल भी अच्छे से कर लोगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत एफर्ट तो लगता ही है, क्योंकि हमें अच्छे नंबर लाना है। बस ध्यान से देखना है इस पूरे वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 पेंसिल है आपके पास, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, 5 पेंसिल है और 7 कलम है, तो इनका टोटल मूल्य कितना दिया गया है, 50 रुपये। 5 पेंसिल और 7 कलम, कलम मतलब होता है पेन। इन्होंने कहा है कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, तो ये भी बात इन्होंने बोली है। आखिरी में इन्होंने पूछा है कि 1 पेंसिल का मूल्य तथा 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब ये पेपर में सवाल आएगा, तो हम क्या है कि इस प्रश्न को पढ़ने से हमें ज्यादा कुछ यदि समझ में नहीं आता है, तो हम एक बात करेंगे, एक चीज समझेंगे, क्या हम क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें किसको एक्स मानना है और किसको वाई मानना है। देखो इधर, जैसे क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा कह रहा है कि 1 पेंसिल का मूल्य और 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, लिखा है कि नहीं, तो हम यहीं से हमें पता चल गया कि हमें सवाल यहीं से स्टार्ट करना है। और हम क्या लिखेंगे कि माना 1 पेंसिल का मूल्य X रुपये मान लेंगे और 1 कलम का मूल्य हम Y रुपये मान लेंगे। यहां से हमें पता चलेगा कि सवाल शुरुआत कैसे होगी सवाल के हल की, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल, और आपको जमा के लिखना है, तरीके से लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो आपको लिखना क्या है, आप देखिए यहां पे माना, ठीक है, यहां पे आप माना लिखोगे और यहां से स्टार्ट करोगे 1 पेंसिल का मूल्य, पूरा क्वेश्चन देख के। तो आप लिखोगे 1 पेंसिल
का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य। ठीक है, तो एक पेंसिल का मूल्य मैंने आपको क्या बताया है, आप लिखोगे एक्स और साथ में रुपए भी लिखना है। अगर आप रुपए नहीं लिखोगे तो आपको हो सकता है कि एग्जामिनर आपके नंबर काट ले, क्योंकि हर चीज की एक यूनिट होती है, उसके पीछे का लिखने का तरीका होता है। टॉपर इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो हमें भी ऐसे ही लिखना है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, एक्स रुपए है। अब एक कलम का मूल्य भी हम लिखेंगे, तो नीचे हम लिख लेंगे कि एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य हम मान लेंगे 22 रुपए है। इस तरीके से हमें सवाल की शुरुआत करनी है। बताओ इतना बन जाएगा, इतना कर लोगे? यस सर, इतना तो कर लेंगे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सवाल को पढ़ेंगे, तो ये सब हम इस तरीके से साफ कर देते हैं। अब सवाल आपको क्लियर दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, आपको यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है प्रश्नानुसार, यानी अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न, तो हमने हेडिंग डाल दी प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या दिया गया है वहां देखिए। पहला स्टेटमेंट कहता, पहली शर्त यहां से लेके यहां तक है, ये फर्स्ट शर्त है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। तो हमने यहाँ पे अपनी हेडिंग डाल दी कि फर्स्ट शर्त हमसे यही कह रही है, तो हमने लिखा फर्स्ट शर्त से। यहाँ पे दो शर्तें हैं, दो शर्तों से दो समीकरण बनेंगे और उन्हीं को हल करना है। पहली शर्त कह रही है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप एक छोटी सी बात बताइए कि जब एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपए है, समझना इस बात को, तो एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, अगर एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक्स रुपए है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 का गुणा हो जाएगा 5x। अगर 6 पेंसिल होता तो 6x, अगर 10 पेंसिल होता तो 10x। तो आपको यही फर्स्ट शर्त में लिखा है कि 5 पेंसिल, तो आपको लिख देना है 5x। ठीक है, 5 पेंसिल है तो आप क्या लिखोगे, 5x। फिर तथा, तथा का मतलब होता है प्लस, तो आप यहाँ पे क्या लगा लोगे, प्लस लगा लोगे। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात, आपको किस तरीके से सवाल करना है ताकि आपका गणित का पेपर बहुत अच्छा जाए, आपको यही सब चीजें करनी है। 5 पेंसिल यानी 5x, 7 कलम। अब आप समझ गए होंगे कि सर 7y लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा, क्योंकि एक कलम का मूल्य है कितना, एक कलम का मूल्य 22 है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, और टोटल कितने हैं, 50 रुपए हैं, तो कुल मूल्य यानी बराबर कितना हो रहा है, 50 है, और इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 1। बोलो यहां तक सवाल समझ आ गया? अगर यहां तक सवाल समझ आ गया है तो आगे भी बहुत अच्छे से देखते रहना, सब कुछ समझ में आने वाला है। फर्स्ट शर्त हो गई, अब यहां से फिर एक बात लिखी है, तो ये सेकंड शर्त है। यहां से लेके यहां तक आप देख पा रहे होंगे, ये सेकंड शर्त है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी सेकंड शर्त से, यानी दूसरी शर्त से। ठीक है, तो दूसरी शर्त क्या कह रही है, जरा गौर से देखिए कि 7 पेंसिल। अब इस बार पेंसिल कितनी है, 7। एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपए है, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7x हो जाएगा। बहुत अच्छे, फिर तथा लिखा है, तथा का मतलब क्या होता है, तथा का मतलब होता है प्लस। इसके बाद 5 कलम, तो एक कलम का मूल्य 22 रुपए है, तो 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5y हो जाएगा, और कुल मूल्य है कितना, 46 रुपए। तो आप बराबर में कितना लिख दोगे, तो आप बराबर में 46 रुपए लिख दोगे, और इसको समीकरण 2 बना लोगे। बताओ इतनी बात समझ आती है? अब समीकरण 1 व 2 जैसे ही बन जाएगा, तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। अब हो सकता है कि आपने विलोपन विधि अभी तक नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, विधि इतनी भी कठिन नहीं है कि आप समझ ना पाए। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं विलोपन विधि करवा रहा हूं, आप बिल्कुल आराम से सीख जाओगे, बस ध्यान से देखते रहना। विलोपन विधि में होता क्या है, हम सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिखते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरणों को साथ साथ लिखेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से।
देखो थोड़ा तरीका आना चाहिए, एग्जाम में ऐसे ही नंबर नहीं मिल जाते हैं। एग्जाम में देखो सवाल सब पे बनते हैं, लेकिन जो तरीके से करेगा ना एग्जाम में, नंबर उसी के आने वाले हैं। तो समीकरण एक व दो से, ये समीकरण एक है, इसको पूरा यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 5x + 7y और बराबर कितना हो जाएगा अपना, बराबर 50 हो जाएगा। और इसको हम बना देंगे समीकरण एक। बनाएंगे क्या, ये तो पहले से ही है। अब इसके बाद ये वाला जो समीकरण है इसको लिख लेंगे, यानी 7x + 5y और बराबर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और इसको हम समीकरण दो बना देंगे। बताओ इतनी बात समझ आ रही है? अगर इतनी बात समझ आ रही है तो आगे भी आएगी, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। अब क्या करना है, हम यहाँ पे बाई के गुणांकों को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे बाई का गुणांक क्या है, जो बाई के साथ में चिपक के लिखा है, तो बाई का गुणांक कितना है? तो आप कहोगे सर बाई के साथ में तो 7 लिखा है, तो बाई का गुणांक 7 है। यहाँ बाई के साथ में चिपक के कौन लिखा है? 5 लिखा है, तो बाई का गुणांक कितना है? 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन बाई के गुणांकों को समान बनाएंगे। अब कैसे हो सकता है ये? बहुत आसान है। बाई के गुणांक जो 5 है, ये 5 का गुणा समीकरण एक के सभी पदों में कर देंगे, तो क्या होगा, ये समीकरण बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और उसी तरीके से ऊपर वाला जो बाई है, इसका गुणांक का गुणा नीचे वाले समीकरण में कर देंगे। ये विलोपन विधि का मेन पॉइंट है। तो क्या करोगे, देखो मैंने जो अभी बताया है वो हम भाषा में लिखना, हमें लिखना पड़ता है। हम लिखेंगे कि समीकरण एक में कितने से गुणा करोगे? तो आप कहोगे सर 5 से, क्योंकि एक में गुणा होगा नीचे वाले बाई के गुणांक का गुणा, यानी 5 का गुणा देखो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तीन पद है ना समीकरण में, तो तीनों में होगा। तो चलो बताओ कैसे होगा, 5 संख्या का संख्या में बस कर दो, पहले तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक में 5 से गुणा। ये भाषा पहले लिख लो, फिर फुर्सत में अच्छे से समझेंगे। तो समीकरण एक में 5 से गुणा तथा दूसरा बताओ क्या लिखना चाहिए, समीकरण दो में 7 से गुणा। तो यहां लिख लेते हैं समीकरण दो में 7 से गुणा, 7 से गुणा, और फिर लिखेंगे करने पर। एग्जाम में आपको ऐसे, आप चाहो तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ना हर चैप्टर के, इसके आप अलग से पतला सा रजिस्टर बना के नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप गणित में कमजोर हैं या आपको लगता है यार कि गणित का पेपर टफ लगता है, तो आप इन सवालों को जरूर दोहराइए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ। तो देखो 5 का गुणा इसमें करोगे तो क्या आ गया, 25x, 5 का करोगे ना तो 25x हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्योंकि चिन्ह का गुणा नहीं होता है, सिर्फ संख्या का होता है। तो 7 × 35y, ठीक है, 5 का गुणा हो रहा है और बराबर क्या हो जाएगा, 25, तो 250 हो गया। तो एक नया समीकरण बन गया, तो इसे हमने समीकरण नंबर 3 बना लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब 7 का करो, 7 × 7 आप कहोगे सर 49 हो गया, तो 7 × 7 49 हो गया, तो 49 और x था तो x लगा दिया, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है, 7 का गुणा इसमें करो तो 7 × 35, देखो हो गया 35 35। तो गुणांक समान बनाना है ताकि ये कट सके, इसलिए हमने ये सब किया है। इसलिए हमने क्या किया, 5 का गुणा इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और बाई के गुणांक का 7 का गुणा इसमें, इसमें, इसमें। तो बाई के गुणांकों को समान करोगे तो वो कट जाएगा। हम इसी तरीके से एक्स के गुणांक भी समान कर सकते हैं, सबकी अलग अलग मेथड होती है, कोई बात नहीं, आपको जो समझ में आता है आप वो करिए। तो 7 का गुणा इसमें करो तो 56 42, 42 की 2 हासिल आ जाएगी 4। अब देखो 7 × 4 = 28, 29 30 31 32, यानी कि ये हो गया 322। ये भी एक नया समीकरण है, तो इसको हम समीकरण नंबर 4 बना लेंगे। अब बड़े ध्यान से समझना, विलोपन विधि की मेथड है, थोड़ा ध्यान से समझना कि यहां देखो हमें 35y और 35y को तो काटना है, लेकिन कभी भी प्लस प्लस के नहीं कट सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक को माइनस करना होगा। तो हम ऊपर का कभी माइनस नहीं कर सकते, हम नीचे के चिन्ह बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं, जब हम यहां पे लिख दें घटाने पर। क्या लिख दें हम यहां पे, घटाने पर। तो जब भी हम घटाते हैं
जब भी हम घटाते हैं तो हम एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे माइनस लगा देंगे या ना भी लगाए यहाँ पे लिख दिया है। तो घटाने में मेथड क्या होती है कि नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे बदलेंगे? उनके ओरिजिनल चिन्ह में गोला लगा देंगे और उसके बाद हम अपने मन से उसका चिन्ह पलट देंगे। जैसे 49 का ओरिजिनल चिन्ह कुछ भी नहीं है तो प्लस माना जाएगा, बहुत बढ़िया, यहाँ प्लस लगा ही है ओरिजिनल। और 322 का ओरिजिनल चिन्ह क्या है तो आप कहोगे सर कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का रहेगा। ठीक है, अब हम इन घटा रहे हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देंगे, तो ये प्लस का है तो इसमें गोला लगा दो और ये हो जाएगा माइनस का, बदल दिया चिन्ह। इसी तरीके से ये प्लस का है, इसमें गोला लगा के क्या कर दिया? माइनस का। इसी तरीके से ये भी प्लस का है तो इसमें गोला लगा के क्या कर दिया? माइनस का। इसे बोलते हैं हमने अपने अकॉर्डिंग, देखो हम यहाँ पे जोड़ भी सकते थे लेकिन हमने घटाया ही क्यों है? क्योंकि हमारे पास 35 बाई 35 बाई दोनों प्लस प्लस के थे तो वो तो जुड़ जाते, क्योंकि घटाने, इसलिए हमने क्या किया है घटाने पर। उससे क्या हो गया कि 35 बाई और एक हो गया माइनस का 35 बाई, हो गया कि नहीं? तो देखो एक प्लस का 35 बाई और एक माइनस का 35 बाई ये कट जाएगा, और यहां देखो माइनस का 49x है और प्लस का क्या है 25x है, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं तो प्लस का है, तो 49 में से 25 जाएगा तो 24x बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी? तो बड़ी संख्या माइनस की थी। अब यहां से ये कट गया तो बराबर, और यहां देखो माइनस का 322 है और प्लस का 250 है, तो यहां घटा के देख लो 322 में से 250 अपन ने घटाया तो दो तो ज्यों का त्यों, 12 में से 5 गया 7, यहां कट गया, यानी कि बड़ी संख्या माइनस की थी तो माइनस का ही बचेगा, और कितना बच गया? 72 बच गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहां से क्या होगा कि माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो अगले स्टेप में हमारे पास बचेगा 24x बराबर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 72 बचेगा। 24x बराबर कितना बचेगा? 72। आप एक बार देख भी सकते हो 24x बराबर कितना बचेगा? 72। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 24x का मान निकालना है, तो x के साथ में 24 किस में है? गुणा में है, और गुणा वाली संख्या कहाँ आती है? बटे में आती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि एक्स बराबर हो जाएगा 72/24, तो ये 24 एकम 24 और 24 3 72 होता है, तीन बार में कटता है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3, और ये x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें x का बस मान नहीं चाहिए, हमें तो y का भी चाहिए। तो विलोपन विधि में होता क्या है कि जैसे ही आपको x या y का मान मिले तो उसके बाद आपको ये मान समीकरण एक में रखना है। तो आप लिखोगे आगे कि x का मान कहाँ रखोगे बताओ? x का मान समीकरण एक में रखोगे, तो यहां पे लिख दिया समीकरण एक में रखने पर, इस तरीके से आपको लिख देना है समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक निकाल दो भाई, समीकरण एक कहाँ पे है? ये देखो, ये है समीकरण एक, तो यहाँ पे रख दो 5x+7y=50, यही था ना? तो समझने के लिए लिख लो पहले 5x+7y बराबर कितना था? 50 था, ये था अपना समीकरण एक। अब इसमें x की जगह पे कितना रख दो? 3 रख दो, तो 5 तो ज्यों का त्यों, और x की जगह पे कितना रख दिया? 3 रख दिया, और प्लस में कितना है? 7y, और बराबर कितना हो गया? तो बराबर हो गया 50। बोलो बन जाएगा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या होगा कि इसका गुणा होगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और प्लस कितना? 7y, और बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 15 को इस तरफ ले जाएंगे तो 7y=50-15 हो जाएगा, तो 7y=50 में से 15 घटेंगे तो 35 आ जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा? 35/, गुणा वाली संख्या कहाँ आती है? बटे में, तो 35/7, तो 7 से कट जाएगा, 7 × 35, यानी कि जो y है, y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? y का मान कितना आ गया? 5, और x का मान कितना आ गया? 3। तो अब जरा सवाल में देखो कि एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था? x, लेकिन x का मान कितना है? तो x का मान 3 है, तो हम लिखेंगे कि अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना आया है? 3 रुपए। बिल्कुल राइट है, 3 रुपए। पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 रुपए। और आगे देखो यहां पे एक कलम का मूल्य कितना है? 2 रुपए है, तो 2 का मान कितना आया? 5। तो लिखोगे कि एक कलम का मूल्य
का मूल्य बराबर 5 रुपये होगा, और ये सवाल इस तरीके से हल हो जाएगा। तो ये हो गया आंसर। उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं ताकि आप जो है इसको अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और भाई साहब, ये सवाल आपको अच्छे से करना है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि पेपर मेन चीजों पे ही बनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बार बार रिवीजन करने हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी के क्वेश्चन मत करो, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि जो इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करो, क्योंकि परीक्षा आपकी काफी ज्यादा नजदीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर समांतर हैं, या फिर समपाती हैं। तो ये सवाल ऐसे आसानी से नहीं बनेगा। इस सवाल में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आप रजिस्टर में नोट कर लीजिए, फिर ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। कौन कौन सी बेसिक चीजें? देखो, होता क्या है कि कोई भी एक समीकरण हो, जैसे यही समीकरण ले लेते हैं, 5x-4y-8, कोई भी समीकरण हमें दिया गया हो, ये कहलाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें एक चर x है और दूसरा चर y है, तो चर x y ही कहलाते हैं। अंग्रेजी के अक्षर जितने भी हैं उन्हें हम चर कहते हैं गणित में, और जो संख्या होती है ये अचर होती है। जो संख्या होती है वो क्या होती है? अचर, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो होता क्या है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हमें दिया रहता है, तो इसकी एक खासियत ये होती है कि अगर आपने एक्स वाई ग्राफ तो देखा ही होगा, देखा है कि नहीं? एक्स वाई ग्राफ तो आपने देखा ही होगा। तो एक्स वाई ग्राफ में इस समीकरण की खासियत क्या होती है कि ये एक्स वाई ग्राफ में एक रेखा बनाता है। वो भी कैसी रेखा? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं बनाता है, रेखा तो हमेशा सीधी बनती है। तो ये सीधी रेखा बनाता है, ऐसे बना सकता है, हो सकता है ऐसे बना दे, या हो सकता है ऐसे, किसी भी तरीके से हर संभव दिशा में ये एक रेखा बना सकता है, कोई भी एक समीकरण, कोई भी एक रैखिक समीकरण। ठीक है, तो दो समीकरण जब हमें दिए रहते हैं तो दूसरा समीकरण भी ये क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। थोड़ा ध्यान से समझना, दूसरा समीकरण भी क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो वो भी क्या करेगा? ग्राफ में एक रेखा बनाएगा, ऐसे बना सकता है। तो एक शर्त आ गई कि ये रेखाएं आपस में क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। या हो सकता है इस तरीके से बना दें, तो ये रेखाएं कैसी हो गई? आपस में समांतर हो गई, तो इसको अपन कह सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर हैं। हो सकता है कि ये जो जहां से ये रेखा गुजरी है इसी के ऊपर से दूसरे समीकरण की भी रेखा गुजर जाए, तो अपन कह सकते हैं कि समपाती है। तो तीन केस मिले। बताओ, पहला केस क्या मिला? पहला केस क्या मिला कि जब रेखाएं आपस में क्या हो सकती हैं? रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट सकती हैं, यानी रेखाएं कैसी हो सकती हैं? प्रतिच्छेदी हो सकती हैं। रेखाएं कैसी हो सकती है? प्रतिच्छेदी हो सकती है। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होना मतलब जैसे इस समीकरण की रेखा यहां से निकल गई और इस समीकरण की रेखा इधर से निकल जाए, तो इसे बोलते हैं रेखाएं क्या हो जाना? प्रतिच्छेदी हो जाना। ये केस है, इस केस को यहां बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है? दोनों रेखाएं किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर काट देती हैं, और इस बिंदु को कहते हैं दोनों समीकरणों का हल। दोनों समीकरणों को क्या कहते हैं? हल। यानी कि इन दोनों का एक ही हल संभव है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काट रही हैं। तो एक हल को क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। यानी दूसरा नहीं है, केवल एक ही है। तो आज से याद रखना कि अद्वितीय हल जो होता है उसे हम केवल एक हल भी कहते हैं, केवल एक हल, क्योंकि जो चीज केवल एक है उसे ही तो कहते हैं अद्वितीय। जैसे सूर्य, सूर्य हमारे सौर मंडल में एक ही है, तो हम कहते हैं कि सूर्य अद्वितीय है, यानी दूसरा नहीं है, एक ही है। ठीक उसी तरीके से अगर रेखाएं आपस में काट रही है तो वो काटने वाला बिंदु एक ही है, और उसे हम क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। यानी दूसरा हल नहीं है, दोनों रेखाओं का एक, केवल एक हल है, तो ये भी बोल सकते हैं। और ये कब होता है? ये वाली शर्त अभी याद रखना पड़ेगी आपको कि A1/A2 अगर बराबर ना हो B1/B2 के। ये इस सवाल से समझाऊंगा अभी, पहले ये देख लो कि
ए वन बटे ए टू बराबर ना हो बी वन बटे बी टू के, तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अद्वितीय हल। उसे हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं। और अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल एक हल। तो ये चीज आपको जरूर लिखनी चाहिए कि इस शर्त से तीन चीजें रिलेटेड हैं। अब इसमें एक बात और निकल के आती है कि जब दो रेखाएं आपस में टच होती हैं तो कहीं ना कहीं तो वो संगत हैं। कहीं ना कहीं संगत मतलब क्या होता है, दोस्ती करना। संगत मतलब दोस्ती करना। तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पे भले ही टच हो रही हैं, लेकिन टच तो हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं कैसी होती हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं ना, इन्हें हम संगत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संगत। अगर रेखाएं किसी ना किसी बिंदु पे मिल रही है तो उन्हें संगत। लेकिन अगर एक रेखा ऐसी जा रही है और दूसरी रेखा उसके पास से गुजर जाए लेकिन उससे टच ना हो, तो इसे कहते हैं असंगत। क्योंकि ये कहीं भी दोस्ती नहीं कर रही, मतलब कहीं भी टच नहीं हो रही है। ये तो एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, लेकिन टच तो हो नहीं रही, तो इसे अपन क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। तो संगत के दो केस बन सकते हैं, एक तो ये वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि एक रेखा ऐसे निकल जाए ग्राफ में पहले समीकरण की और दूसरे समीकरण की रेखा इसी के ऊपर से निकल जाए, तो वो भी क्या है, संगत का ही केस है। क्योंकि उसमें भी क्या हो रही है, रेखाएं टच हो रही हैं। तो यहाँ पे हम एक शर्तें लिखवा दे रहे हैं आपके लिए। तीन शर्तें होती हैं, तीनों का डायग्राम मैं आपको यहाँ पे बताता चलूंगा। तो ये पहले लिख लो, फिर ये सवाल और ऐसे और भी है तो वो भी बनेंगे, क्योंकि रटना नहीं है, समझना भी है। तो देखो दूसरा केस क्या बन सकता है, जब रेखाएं कैसी हो, संपाती हो। संपाती का मतलब समझ रहे हो, संपाती मतलब यहाँ पे लिख लो समान पथ धारण करने वाली या समान पथ पर चलने वाली। मैं लिख दे रहा हूं, समान पथ पर निरूपित हो जो, उन्हें कहते हैं संपाती। यानी कि समान पथ, यानी जिस रास्ते से पहली रेखा निकल रही है दूसरे समीकरण की रेखा भी उसी रास्ते से निकले, तो उसे क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। अब संपाती रेखा में शर्त कब होती है, संपाती रेखा कब होती है, जब ए वन बटे ए टू बराबर हो बी वन बटे बी टू और वो भी बराबर हो सी वन बटे सी टू के। जब तीनों में बराबर लगा हो तो ये होता है। अब ए वन बी वन क्या है वो आ जाएगा अभी समझ में। अभी इतना लिख लो कि ए वन बटे ए टू बराबर हो बी वन बटे बी टू और बराबर हो सी वन बटे सी टू। अच्छा, संपाती रेखाएं बताओ संगत है कि असंगत है, अपनी ट्रिक के आधार पर जो मैंने बताई है। संपाती रेखाएं कैसी होंगी, तो देखो कई बच्चे लॉजिक देंगे कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रखी है तो वो तो टच है, हर जगह तो टच है, इसलिए हम संपाती कहेंगे। और ये लॉजिक बिल्कुल सही है, क्योंकि संपाती मतलब क्या होता है, संगत। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीसरा क्या है, और रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, ये तो मैंने बता ही दिया है। और तीसरा और देख लो, तीसरा पॉइंट क्या है, जब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर हो। समांतर मैंने बताया, तो समांतर रेखाएं होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें शर्त कौन सी होती है, कि ए वन बटे ए टू बराबर तो हो बी वन बटे बी टू के, लेकिन तीसरा दरवाजा बंद रहे, यानी कि बराबर ना हो सी वन बटे सी टू के। तो ऐसे में क्या होता है, समांतर रेखाएं निकलती हैं। समांतर रेखाएं मतलब ये एक रेखा ऐसे निकल गई, एक रेखा ऐसे निकल गई, तो कभी टकराएंगी नहीं ये आपस में, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी नहीं टकराती। और जब समांतर रेखाएं कभी टकराएंगी नहीं तो कोई हल नहीं मिलेगा, क्योंकि हल कब मिलता है, जब टकराए। जैसे इसमें तो संपाती है, यानी एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा निकल रही है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा निकल रही है ना, तो इसमें तो हर पॉइंट पे टच हो रही है। तो ऐसे तो लाखों करोड़ों बिंदु होंगे इस बिंदु पे जहां ये टच हो रही है, तो इसको बोल सकते हैं अनंतः अनेक हल होंगे। अनंतः अनेक हल होंगे, क्योंकि संपाती रेखाओं में कोई गिनती नहीं है, ये तो एक के ऊपर एक रखी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ऐसा कौन सा बिंदु है जहां दोनों रेखाएं टच है, तो आप तो कहोगे सर धरी ही है एक के ऊपर एक, तो ऐसे तो हर जगह टच है, इसलिए हम कहेंगे हर जगह हल है, यानी अनंत है, अनेक हल है, बहुत सारे हल है, अनंत हल है। आप समझ पा रहे हो कि नहीं, तो जब एक रेखा एक दूसरी रेखा के ऊपर रखी है तो टच होने वाले बिंदु बहुत सारे हो जाएंगे, और ऐसे में हम क्या कहेंगे कि बहुत सारे हल मिलेंगे। क्योंकि हल कब मिलता है, जब रेखाएं आपस में टच होती हैं। क्या इसमें हल मिलेगा, आप कहोगे सर टच होंगी तो मिलेगा, तो समांतर रेखाएं तो कभी टच होती ही नहीं है, तो
तो कोई हल नहीं मिलेगा, तो यहां पे लिख देना कोई हल नहीं है। कब होता है ये? जब रेखाएं कैसी हो, समांतर हो, और जब टच नहीं होगी तो कोई संगति नहीं करेंगी, तो असंगत होता है। तो इस ऐसे केस में रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत होती हैं। बहुत वीआईपी चीज है ये। यहां से आपका पेपर में 1 से 2 नंबर तो ऑब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे, अगर ये समझ दिया है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और दूसरा, सवाल अगर आ गया इस तरीके का तो आप ये भी बहुत बढ़िया तरीके से करके आओगे। तो पहले आप इन सब चीजों को अच्छे से नोट कर लो। मैं थोड़ी देर के लिए दूर हो जा रहा हूं, फिर मैं इस सवाल को समझाता हूं, बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो, यहां पे बड़े तरीके से देखना। जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये सवाल जो है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर ऐसा सवाल आता है तो हम दोनों समीकरणों को बाकायदा लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे हल दिए गए समीकरण योग, दिए गए समीकरण युग्म। युग्म मतलब जोड़ा, यानी दो समीकरण साथ में लिखते हैं तो उसे युग्म कहते हैं। तो पहला समीकरण क्या है? 5x-4y+8=0। देखो बराबर में 0 है तो हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं, अगर अन्यथा अगर बराबर में 0 ना होता। और ये देखो, सवाल थोड़ा सा समझना है गहराई से। अगर इस तरीके से लिखा होता, बराबर -8 मान लो ये लिखा होता, तो हम इसको समीकरण 1 नहीं बना सकते थे। जब तक बराबर में 0 ना हो तब तक समीकरण 1 नहीं बनाना, इस प्रकार के सवालों में यही तो ध्यान रखना है। इसलिए तो आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी तो पूरा सिलेबस कराया हुआ है। लेकिन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की अलग ही दम होती है, आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो बराबर में 0 है तो समीकरण 1 बना लो इसको, और इसमें भी बराबर में 0 है तो इसको समीकरण 2 बना लो। तो 7x+6y-9 और बराबर क्या हो जाएगा? 0, और इसे बना देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो काफी आसान है, इन दोनों समीकरणों की तुलना हमारे व्यापक समीकरण से करेंगे, जो ऐसे ही दिखते हैं लेकिन नंबर नहीं होते, वो सबके लिए है। तो ABC होता है, देखो कैसे। तो ये जो इन सवालों में एक डायलॉग चिपकाना पड़ता है कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण, और वो व्यापक समीकरण क्या है पता है? a1x+b1y+c1=0 तथा a2x+b2y+c2=0 से करने पर, ये तुलना करने के लिए लिखते हैं। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे ढंग के, आपको तरीके के नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 100 में से 100 नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हर एक चीज को लिखना है। तो ये व्यापक समीकरण होते हैं, आप इनको याद कर लेना, एक ये और एक ये व्यापक समीकरण है, मतलब सब समीकरणों की तुलना इनसे ही की जाती है। तो ये बड़े इनको अपन कह सकते हैं कि आदर्श समीकरण है, इनकी तुलना सबसे होगी। तो आप तुलना लिखने के लिए लिख देते हैं, बाकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि a1 b1 c1 के मान कैसे निकाले जा सकते हैं, बहुत आसान है। तो तुलना करने से हम a1 का मान देखो क्या है, x के आगे जो कुछ भी लिखा है, आप देखो x के आगे जो कुछ भी लिखा है वो a1 है, इस चीज को समझना है। x के आगे जो कुछ भी लिखा है वो a1 है, y के आगे जो कुछ भी लिखा है चिन्ह सहित वो b1 है, और ये पूरा c1 है। इसी तरीके से समीकरण 2 में देखोगे तो x के आगे जो कुछ भी लिखा है वो a2 है, और y के आगे जो कुछ भी लिखा है चिन्ह सहित आपको लिखना है तो वो है B2, और प्लस है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं, और ये पूरा चिन्ह सहित क्या है, ये C2 है। बस इतना आसान है, ये तो लिखना बस है, तो ये तो आप याद भी कर लोगे एग्जाम के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आपको जो है मैंने आपको बताया, तो अब आपको मुझे बताना है, ठीक है। बताओ A1 कितना है, A1 कितना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर A1 का मान है 5x का गुणांक, ठीक है। बाकी तुलना यहां से हुई है, एक्स से एक्स कट गया तो ए वन की जगह पे कितना लिखा है? 5। इसी तरीके से बी वन कितना है, कॉमा लगा के बताओ। बी वन, और इसी लाइन में लिखेंगे सी वन, यानी ए वन बी वन सी वन एक लाइन में, फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे ए टू बराबर, फिर यहां लिखेंगे बी टू बराबर, और यहां लिखेंगे सी टू बराबर। तो अब बता दो
तो यहां B1 आ जाएगा -4 और C2 आ जाएगा 8, C1 आ जाएगा 8। यहां देखो A2 कितना है 7, B2 कितना है 6 और अपना C2 कितना है माइनस का 9 है। इस तरीके से मान आप आसानी से लगा सकते हो। अब क्या करना है, अब बहुत आसान है। अब हमें A1 बटे A2 निकालना है सबसे पहले। ये अपने मन से करना है कि A1 बटे A2 हम पहले निकाल देंगे तो 5/7 हो जाएगा, फिर हम B1 बटे B2 निकाल देंगे तो वो कितना हो जाएगा -4/6, काटेंगे इसको तो 2 2 4 और 2 3 6, वो भी माइनस का। तो क्या ये और ये बराबर है? नहीं, ये बराबर आया ही नहीं। तो हम कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, हम ये बोल सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के, यानी कि ये इसके बराबर नहीं है। कभी कभी ये बराबर भी होते हैं लेकिन इस सवाल में नहीं है। तो अपन कहेंगे कि ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे इसलिए हम कह सकते हैं कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। और अभी आपने जो शर्त लिखी है उसमें ये वाली शर्त आ जाए तो हम क्या क्या कह सकते हैं? अगर ये वाली शर्त आ जाए तो हम एक बात तो ये कह सकते हैं कि जो समीकरण है वो उनकी रेखाएं क्या कर रही है, प्रतिच्छेदी। तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। इस शर्त के आधार पे हम तीन बातें बोल सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। पहली बात तो ये होगी, दूसरा दोनों समीकरणों का एक ही हल होगा तो यानी अद्वितीय हल होगा। ये बात हम बोल सकते हैं। क्या होगा? अद्वितीय। इसलिए मैंने बोला था कि वो लिख लेना। तो दोनों का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। वीडियो अकेला देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो लेक्चर को अप्लाई करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, समझते रहना है, तो अद्वितीय हल होगा। और तीसरी बात क्या निकल के आती है कि रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी। यानी एक इस बात के आधार पर तीन बातें निकल के आ जाती हैं। अब सवाल में आपसे ये पूछा है सवाल में कि बताओ प्रतिच्छेदी होंगी कि समांतर रेखाएं होंगी अथवा समपाती होंगी। तो हमने बता दिया कि क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। लेकिन मान लो कि सवाल बदल गया और सवाल में उन्होंने कह दिया अद्वितीय हल होगा या नहीं होगा बताओ, तो भी हम कह सकते हैं इससे। या फिर वो पूछ लेंगे संगत असंगत कि बताओ इन दोनों समीकरणों की रेखाएं संगत होंगी कि असंगत होंगी, तो भी पता चल जाएगा इसी से। तो आपको इसलिए शर्त जो है वो ध्यान होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 से, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, अद्वितीय हल होता है और संगत होती हैं रेखाएं। अगर इस तरीके से हो जाए बताना जरा, A1 बटे A2 बराबर तो हो B1 बटे B2 के लेकिन बराबर ना हो C1 बटे C2 के। अगर ये वाली शर्त आ जाती या टकरा जाती तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो? तो आप लिखोगे रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। पहली बात तो ये है, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। इस बात को आप समझ पा रहे हो ना, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और बताओ रेखाएं समांतर होंगी तो असंगत होंगी क्योंकि कभी टच नहीं होंगी तो किस बात की संगत हो जाएगी। तो समांतर रेखाओं में हमेशा क्या लिख देना, असंगत होंगी। और क्या हो सकता है, इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि समांतर रेखाएं कभी टकराती नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। तो इस तरीके से आ जाता तो ये कर देते। और बाकी एक शर्त और है, एक शर्त और है, मैंने आपको वो वाली शर्त भी बताई हुई है कि अगर A1 बटे A2 बराबर हो जाए B1 बटे B2 के और बराबर हो जाए C1 बटे C2 के, ये वाली शर्त हो जाए तो क्या क्या तीन चीजें निकल के आती हैं। पहली तो आ जाएगी अनंतः अनेक हल होते हैं, अनंतः अनेक हल होते हैं। पहली तो एक बात जय निकल के आ जाएगी कि अनंतः अनेक हल हो जाएंगे। इस बात से आप सहमत होना कि अनंतः अनेक हल हो जाएंगे। और दूसरी क्या बात निकल के आ जाएगी कि रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी, यानी एक के ऊपर एक रेखा रखी रहती है जब ये वाली शर्त निकल के आ जाती है। और तीसरी क्या होगी, रेखाएं संगत होती हैं। रेखाएं कैसी होती है, संगत होती हैं। बहुत सारे हल होते हैं, कोई एक हल नहीं होता बल्कि अनंत हल होते हैं। तो ये शर्तें आपको मैंने फिर से दोहरा दी हैं क्योंकि ये शर्त इस चैप्टर की जान है। अगर आप ये शर्तें अच्छे से कर लोगे तो आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण ये वाला और ये वाला संगत है या असंगत है। अब हमें ग्राफ से पता करना है तो हम ग्राफ भी खींच सकते हैं और ऐसे सवाल परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण युग्म, हल दिए गए समीकरण युग्म। तो समीकरण युग्म जो है वो हम पहले लिख लेंगे। पहला समीकरण है x+3y = 6 और
इसको हम समीकरण एक बना देंगे, और इसको समीकरण एक बना सकते हैं क्योंकि हमें ए वन बी वन वाले सवाल में बस ध्यान रखना है कि बराबर में जीरो हो तभी समीकरण एक बनाना है, बराबर में क्या हो, जीरो हो तभी समीकरण एक बनाना है, तुलना करने में आसानी रहती है। और दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 12, इसको बना देते हैं समीकरण दो। अब चूंकि हमें ग्राफ खींचना है तो हम एक एक समीकरण में मन से मान रखेंगे, तो x का मान अगर मन से रखेंगे तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो हम समीकरण एक ले लेते हैं। पहले हम समीकरण एक से स्टार्ट करते हैं। समीकरण एक में हम लिखेंगे कि x बराबर जीरो, पहले हम जीरो ही लेते हैं और ये मान हम मन से ले रहे हैं, x बराबर जीरो ले सकते हैं, y बराबर भी जीरो ले सकते हैं। तो हम x बराबर जीरो रखने पर, तो जहां से हम ये x बराबर जीरो रखने पर लिखते हैं, यहां हम एक तालिका भी बनाएंगे साथ में, ये वाली, ये यहां x लिख लेंगे, यहां y, और x का जो कुछ भी मान हम मन से रख रहे हैं वो हम यहां रखेंगे, और जो y का मान समीकरण के अकॉर्डिंग निकल के आएगा वो हम यहां रख लेंगे। तो देखो कैसे x बराबर जीरो रखेंगे, तो यहां x की जगह पे समीकरण एक में x की जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो, फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर 3y बराबर 6 है तो हमने लिख लिया 3y बराबर 6। अब जीरो का कोई मतलब नहीं है तो अगला स्टेप आएगा 3y बराबर 6, तो 3 गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 6/3, तो 3 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6, यानी y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो हम यहाँ पे y की जगह पे कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो समीकरण एक में हमने क्या किया, x बराबर जीरो रखा जिससे y का मान कितना आ गया, 2। अब हम y का मान जीरो रख दे रहे हैं तो x का मान सीधा 6 आ जाएगा, क्योंकि हमें सोचना भी है कि क्या रखें ऐसा सरल से सरल मान कि हमें सरल मान ही हो, कभी भिन्न ना आए, बटे में ना आए, कोशिश ये करना है कि बटे में ना आए, ठीक है, ऐसी संख्या आनी चाहिए जो पूरी पूरी बार कट रही हो या सरल आंसर आए, ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो अगले में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि समीकरण एक में ही अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण एक में अब हम क्या कर लेते हैं, एक्स वाई बराबर जीरो रख लेते हैं, वाई बराबर जीरो रखने पर ये हमने कर लिया। तो जब हम y बराबर जीरो रखेंगे इसी समीकरण एक में, तो देखो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, x लिखा है पहले तो x लिख लिया, प्लस 3y लिखा है तो 3 और y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, और बराबर क्या आ जाएगा, 6, तो x प्लस 3 शून्य आ जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, 6, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6। यानी कि अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान ऑटोमेटिक 6 आ जाता है, ठीक है, इस बात को समझ गए ना। अब यही चीज हम सेम टू सेम समीकरण दो में करेंगे, तो अब हम लिखेंगे समीकरण दो से, समीकरण दो अपना क्या है उसको लिख भी लेते हैं, चलो 2x माइनस 3y बराबर 12, इसको हम लिख भी लेते हैं, चलो हमने लिख लिया, अब इसको हमने समीकरण दो बनाया है तो वो लिख दिया। अब यहाँ पे हम x का मान फिर से जीरो रख ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर जीरो। तो देखो मैं क्या करता हूँ कि एक बार x जीरो रखता हूँ, एक बार y जीरो रखता हूँ, ज्यादातर सवाल सॉर्ट हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, तो x बराबर जीरो रखने पर। लेकिन कई सवाल ऐसे हो सकते हैं जहां जीरो रखने से काम ना बने, तो वहां भी सोचना पड़ता है, तो x बराबर जीरो रखने पर अभी तो जीरो से काम चल रहा है, तो यहाँ x रख लिया, यहाँ y, तो x का मान हमने क्या रखा है मन से, जीरो, तो देखते हैं y का मान कितना मिलता है। तो यहां से स्टार्ट करो, 2 x की जगह पे जीरो रख लो, माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12, 2 × 0 = 0, ये तो हट गया, तो बचा क्या, 3y बराबर 12, माइनस का 3 बटे में लेके आओ, दिख रहा है ना आप सबको, ओके, तो देखो ये y बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे माइनस का 3, तो माइनस ऊपर तैर जाएगा क्योंकि बटे वाला माइनस हमेशा ऊपर आ जाता है, और 3 × 4 = 12 यानी 4, तो y का मान कितना मिला है, -4। तो मन से तो हम एक मान रख सकते हैं लेकिन दूसरा मान आएगा समीकरण के अनुसार, तो y बराबर -4 आ गया। अब हम इस बार y बराबर जीरो रख लेते हैं क्योंकि वही चीज सबसे सही है, तो y बराबर जीरो रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण दो में, तो 2x माइनस 3 और y की जगह पे कितना रख दो, y की जगह पे जीरो रख लो, बराबर कितना, 12 दिया गया है, तो ये कट जाएगा 3 × 0 = 0, क्या बचेगा, 2x बराबर 12, और तो x बराबर 12/2, 2 × 6 = 12, 6 बार आएगा, x बराबर कितना आ गया, 6। तो यहां हमें ध्यान दिया कि y बराबर जीरो रखा तो x बराबर 6 मिल गया। तो
तो देखो, अगर आप दिमागदार हो तो यही से बता सकते हो कि इस समीकरण में एक कॉमन बिंदु 6 और 0 है, इस समीकरण में कॉमन बिंदु 6 और 0 है, यानी कि ये 6 0 पे कट जाएगी रेखाएं, यानी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का इशू हो गया था, तो यहां से मैंने ये कर दिया है सवाल, ठीक है, और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो आप देख सकते हो बाई बराबर 0 बाकी, और इसके बाद यहाँ पे हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ये ग्राफ भी मैंने बना लिया है और ये दोनों समीकरणों की तालिकाएं हैं। तो अब यहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, आपको पता है एक्स का मान 0 है, वाई का मान 2 है, तो यहाँ से एक्स का मान 0 ये हो जाएगा, और वाई का मान 2 ये है, ठीक है। एक्स का मान 0, वाई का मान प्लस का 2 है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का 2 ही है, तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा। तो ये बिंदु हम 0 को तो मिला नहीं सकते, तो 2 को मिलाएंगे, ठीक है, तो 2 वाले बिंदु पे डार्क कर देंगे संख्या पे। फिर x का मान कितना है, 6 है, और y का मान 0, तो x का मान 6 है और y का तो 0 ही है, तो 6 6 को ही डार्क करेंगे। तो ये पहले तालिका के 2 बिंदु मिले हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को हम क्या कर देंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। ये देखो इस तरीके से हमने मिला दिया, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, ठीक है। तो ये अपनी एक लाइन बन जाएगी, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस तालिका की भी एक लाइन बनाएंगे। तो x का 0 है और बाई का कितना है, -4, तो बाई का -4 तो ये है, एक्स का 0 यहाँ पे, बाई का -4 तो यहीं पे डार्क करेंगे, और बाकी एक्स का 6 है और बाई का 0, तो एक्स का 6 ये और बाई का 0, यानी यही बिंदु रहेगा, तो फिर से एक बार आ गया, तो इन दोनों को हम मिला देंगे। तो देखो ये इस तरीके से हम मिला देंगे, रेखाएं जो है टच होती हुई एक दूसरे से, इसको ऐसे करते, तो ये दोनों एक ही बिंदु पे टच हो रही है, तो इसका हल जो होगा वो होगा 6 0, ठीक है, और ये दोनों रेखाएं इस तरीके से हो जाएंगी। आप इन रेखाओं को L और M नाम दे सकते हो, पहले समीकरण की रेखा पे पहला समीकरण लिख सकते हो आप, जो कि है x प्लस 3y बराबर 6, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x प्लस 3y बराबर 6, और इस वाली दूसरे पे आप दूसरा लिख सकते हो जो कि है 2x माइनस 3y बराबर 12, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2x माइनस 3y बराबर 12, इस तरीके। तो ये हल हो जाएगा और आप इसको आराम से कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेथड है और इसको अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छे से समझ लीजिए, परीक्षा में आती ही है। तो आप लिखेंगे दिए गए समीकरण योग में, सबसे पहले तो दिए गए समीकरण योग में, ठीक है। इस सवाल को आप समझ गए ना, इस सवाल में मैंने ग्राफ द्वारा इस संगत है, ठीक है, तो संगत है ना, तो मैंने पहले ही बता दिया कि रेखाएं टच हो रही, तो आप इसे लिख सकते हो संगत है, ठीक है। और वैसे आप एक इस सवाल में एक चीज और हो सकती है कि आप डायरेक्ट मान ना रख के पहले चेक कर सकते हैं ए वन ए टू से, ए वन ए टू की तुलना करके, तो वो भी आप कर सकते हो, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि को समझ लो। प्रतिस्थापन विधि में दिए गए समीकरण युग्म में x प्लस 3y बराबर 6, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, और दूसरा दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 12, ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 2, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि का जो मतलब है, अब आप हेडिंग डाल सकते हो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में मेन पॉइंट क्या आता है कि समीकरण 1 से स्टार्ट होता है। प्रतिस्थापन विधि कहां से स्टार्ट होगी, समीकरण 1 से, तो आप यहां पे लिख सकते हो समीकरण 1 से, पहला कदम कि हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे। कौन सा समीकरण बनाएंगे, समीकरण नंबर 3। तो कैसे होगा, पहले समीकरण 1 लिख लो, एक्स प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6, यही है ना समीकरण 3। अब इसमें हम क्या करेंगे कि x का मान निकालेंगे, चाहे जैसे भी हमें जो कुछ भी करना हो, जैसे भी पक्षांतर करना हो, लेकिन हम यहां से x का मान निकालेंगे। तो x का मान कैसे आएगा, प्लस का 3y इस तरफ लेके आएंगे, तो x अकेला छोड़ दिया उस तरफ, प्लस का 3y मत लिखो, बराबर 6 लिख लो, क्योंकि प्लस का 3y इस तरफ लेके आओगे तो वो माइनस का हो जाएगा। और जैसे ही x का मान आ जाएगा उसे हम समीकरण 3 बनाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का पहला कदम यही है कि समीकरण 1 से आप समीकरण 3 बनाएंगे। कौन सा समीकरण बनाएंगे, समीकरण नंबर 3। आगे क्या करोगे,
जो भी x का मान आएगा, 6 माइनस 3 बाई है, वो समीकरण 2 में रख दोगे। यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस समीकरण में रखोगे? दूसरे समीकरण में। तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, आप ये भी लिख सकते हो, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, कर देते हैं। तो जैसे ही हम प्रतिस्थापित करने जाएंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा? 2 मिलेगा। समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, पहले 2 मिलेगा, फिर x आएगा। तो x का मान है 6 माइनस 3 बाई, तो यहाँ पे हम रख देंगे 6 माइनस 3 बाई, और फिर माइनस 3 बाई बराबर 12 है, तो माइनस 3 बाई बराबर 12 कर देंगे, गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, माइनस 2 तिया 6 बाई, और माइनस का 3 बाई पहले से था, बराबर 12। अब 3 और 6 हो गए 9 बाई, तो 9 बाई, ये बाई बाई हमने जोड़ लिया, बराबर 12। और ये प्लस का 12 है ना, इस तरह पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 12, तो माइनस 9 बाई बराबर 12 में से 12 गया 0, तो बाई बराबर भी 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 बटे माइनस 9 कटेगा तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के बटे में कोई भी संख्या हो 0 ही आता है। तो बाई का मान जैसे ही आएगा, ये बाई का मान फिर सम समीकरण 3 में रख देंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण 3 में। अभी मैं प्रतिस्थापन विधि की जो रूलिंग है, जो कैसे करते हैं, वो चीज मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि समीकरण 3 में रखते हैं जो भी बाई का मान आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, बाई का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो यहां से शुरू होगा, तो सबसे पहले कौन मिलेगा? एक्स मिलेगा बराबर, फिर कौन मिलेगा? 6 और माइनस 3, और बाई की जगह पे 0 रख देंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 6 माइनस 0, 3 0 9 0, तो एक्स बराबर 6 आ जाएगा। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से हमें एक्स बाई के मान मिल जाएंगे। तो हम बाद में लिख भी सकते हैं कि अतः एक्स बराबर 6 और बाई बराबर 0 समीकरण निकाय के हल है। तो ये कर देना है आपको, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो अब हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि के लिए एक और सवाल है, ये भी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण, जैसे इसमें समीकरण युग्म में एक ये समीकरण है और एक ये एक समीकरण है, तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जब भी हमें दो समीकरण दिए रहते हैं ना, तो हम उन्हें जोड़ा के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 2y बराबर 0, और इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 20, और इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि का पहला कदम क्या है कि हम समीकरण 1 पहले लेंगे और उससे समीकरण 3 बनाएंगे, ये पहला कदम है। तो हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, और ये पूरा समीकरण 1 हम लिख लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 0, ये समीकरण 1 पूरा लिख लिया। अब यहां से x का मान निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें x का मान निकालना है। तो ये जो माइनस का 2y है, इसका हम इस तरह पक्षांतर कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 2y। ठीक है, तो x का मान ये आ गया। वैसे हमें इसे हाईलाइट नहीं करना चाहिए, केवल हम इसे समीकरण नंबर 3 बना देंगे। अब जो x का मान आया है, ये जो समीकरण 3 है, इसमें x का मान है क्या है? 2y। ये पूरा मान समीकरण 2 में रखते, ये प्रतिस्थापन विधि का मेन चीज है। मतलब समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे, और जो भी x का मान आएगा वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो आगे हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 3 x की जगह पे कितना आ जाएगा? 2y प्लस 4y और बराबर कितना हो जाएगा? 20। यहां गुणा कर लो, 3 दूनी 6 बाई, और प्लस 4 बाई बराबर 20। 6 और 4 10 बाई हो जाएगा, 10 बाई बराबर 20 हो जाएगा, तो बाई बराबर हो जाएगा 20 बटे 10। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी बाई बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जैसे ही बाई का मान आ जाएगा, वो यहां रख दो, तो एक्स का मान आ जाएगा। तो आगे हम लिखते हैं कि बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में।
तो चलो रखते हैं। तो x बराबर, समीकरण 3 ये है, तो x बराबर 2 और y की जगह पे हम 2 रख लेंगे। तो x बराबर 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे जो मान है, अभीष्ट मान x और y के आ चुके हैं, अतः x बराबर 4 और y बराबर 2 जो है समीकरण निकाय के हल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विलोपन विधि है। तो ये भी एक खास विधि है, विलोपन विधि, और ये पेपर में आएगी। देखो, या तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, दो में से एक विधि आपको देखने को मिलेगी। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण युग्म, अब जो भी हमें समीकरण दिए गए हैं उनको लिख लो। जैसे पहला समीकरण क्या है, 7x-15y बराबर 2, ये है समीकरण नंबर 1। दूसरा है x+2y बराबर 3, ये है समीकरण नंबर 2। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि में या तो हम y के गुणांकों को समान करेंगे या हम x के गुणांकों को भी समान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बार x के गुणांकों को समान कर लेते हैं। तो यहाँ x के आगे कुछ भी नहीं है तो एक माना जाता है, तो x के आगे एक है और यहाँ x के आगे कितना है, 7 है। तो 7 का गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे और एक का गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण एक में, इस वाले समीकरण में होगा एक का गुणा, क्योंकि हम x के गुणांकों को समान कर रहे हैं। हम दोनों चीजें कर सकते हैं, y का गुणांक भी समान कर सकते हैं, x का भी, तो अभी हम कर रहे हैं इसमें। तो समीकरण एक में एक से गुणा तथा समीकरण दो में कितने से होगा, 7 से गुणा होगा, यानी 7 इसमें गुणा करेगा। तो 7 से गुणा करने पर, तो एक से होगा तो यही समीकरण आ जाएगा। तो 7x-15y बराबर 2, और इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। हालांकि ये है तो एक ही, लेकिन हम अलग से लिख रहे हैं तो इसे यहाँ पे बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक का, 7 का करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, 7 एकम 7x, प्लस है तो प्लस, और 7 दूनी 14y और बराबर, और 7 तिया 21। ठीक है, आपको पता होगा कि 7 तिया 21 होते हैं और 7 दूनी 14y, 7 एकम 7, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 7x और 7x अभी कट नहीं रहे हैं। और क्यों नहीं कट रहे हैं, क्योंकि ये इनके चिन्ह कैसे हैं, समान है। तो हम क्या करेंगे, इनको असमान चिन्हों में बदलेंगे। तो जब चिन्ह समान है तो हम घटाते हैं जानबूझ के, क्या करते हैं, हम घटाते हैं। इससे क्या होता है, इसको थोड़ा ऊपर खिसका के मैं आपको बता देता हूँ। घटाने से क्या होगा कि हम एक लाइन खींचेंगे और नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे ये धन का है तो ये ऋण का हो जाएगा, ये धन का है तो ऋण का हो जाएगा, और ये धन का है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो धन का ही था, तो वो हो जाएगा माइनस का। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि घटाने से क्या फायदा होगा, कि प्लस का 7x और माइनस का 7x आप कट सकता है। तो क्या बचेगा, -15 और -14, तो माइनस का ही 19y हो जाएगा। 14 और यहाँ पे 14 और 15, ये होगा 29y, होगा कि नहीं। 15 और 14 जोड़ लो, माइनस माइनस किए हैं दोनों, तो माइनस का 29y हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 21 में से 2 चले जाएंगे तो माइनस का 19 हो जाएगा, क्योंकि 19 में 2 जोड़ो तो 31 होते हैं। माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें फाइनली क्या मिलेगा कि 29y बराबर 19 मिल जाएगा। तो 29 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहाँ ले जाओगे, बटे में, तो y बराबर 19/29 हो जाएगा और ये y का मान आ जाएगा। अब जो भी y का मान आया है ये समीकरण एक में रख सकते हैं हम, तो x का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे, विलोपन विधि का यही एक मेथड हो जाता है कि जो y का मान है वो हम कहाँ रख देंगे, समीकरण एक में। तो चलो रख देते हैं, तो 7x की जगह पे x ही, -15 और y की जगह पे मान रख देते हैं। तो y का मान कितना है, 19/29, और बराबर कितना है, 2 है। इस तरीके से किया हमने।
अब हमने 7x ज्यों का त्यों, अब 15 का गुणा 19 में करना है, तो हमने गुणा कर लिया तो 15 नम्मा 135 की 5 हासिल आ जाएगी 13, और 15 एकम 15 और 15 और 13 यहाँ पे हमने जोड़ लिया तो 5 3 8 28 हो गया, और बटे 29 और बराबर कितना है 2, ये कर लिया। अब ये माइनस का है तो इस तरफ लेके आ गए तो प्लस का हो जाएगा, तो 7x बराबर 2 लिखा है पहले से, और ये माइनस का पूरा पद जो है इसको इस तरफ ले आए तो ये प्लस में हो गया, और प्लस में हो गया 285 बटे 29। ध्यान से देखते रहना बहुत अच्छे से। अब 29 का 2 में गुणा किया तो ये हो गया 29 दूनी, तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल आ जाएगी, 1 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 29 दूनी 58 और प्लस 285 और सबके बटे 29, यानी 29 से एलसीएम से गुणा हो गया और बटे में कितना आ गया 29 आ गया। अब 7x बराबर 28, 58 और 285 को हमने अलग से जोड़ लिया, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप इस तरीके से जोड़ सकते हो, 8 5 13 की 3 हासिल आ जाएगी 1, और 8 5 13 और 1 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1 2 और 1 3, यानी 343 आ गया, और बटे में कितना है 29। ठीक है, अब आगे देखो ये 7 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या बटे में ले आओ, तो x बराबर हो जाएगा 343 बटे 29 और गुणित में क्या आ जाएगा 7, क्योंकि ये गुणा वाली संख्या बटे में आएगी तो 29 के साथ में तो गुणा में ही रहेगी ना ये 7। अब 7 से ये काट दो तो x बराबर ये कटेगा कितनी बार, सच्चों के 28, बचेगा 6 तो 63, 7 9 63, यानी 7 से ये 49 बार कट गया 343, और बटे में कितना है 29 है, तो ये आ जाएगा x का मान और ये आ जाएगा यहाँ पे y का मान, तो ये विलोपन विधि से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x का मान है कितना 49 बटे 29 और y का मान कितना आ जाएगा 19 बटे 29। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, काफी अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्याएं पता नहीं है, दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर बाई है। अब दोनों का अंतर 26 है, तो फर्स्ट शर्त क्या कह रही है प्रश्न के अनुसार वो देख लो। पहली शर्त कह रही है कि दोनों का अंतर 26 है, यानी x माइनस y दोनों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, और है कितना 26 है, और इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। सेकंड शर्त क्या कह रही है उसको भी देख लो, तो सेकंड शर्त हमसे ये बोल रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या यानी एक्स दूसरी संख्या यानी बाई की 3 गुनी, तो ये हमने बना लिया, इसको बना दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 एक्चुअली एक्स का मान है जो कि 3 बाई है, तो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, तो लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक्स का मान कितना है 3 बाई, तो ये रख दे रहे हैं ऊपर, तो एक्स की जगह पे कितना लिखेंगे 3 बाई, और फिर एक माइनस वाई है और बराबर कितना है 26, तो 3 बाई में से 1 बाई चला जाएगा तो 2 बाई बचेंगे और बराबर कितना होगा 26 होगा, तो गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो 26 बटे 2 हो जाएगा जो कि 13 बार कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13, y का मान कितना आ गया 13 आ गया, बहुत अच्छे। अब जो भी y का मान है यहाँ रख दो तो x का मान आ जाएगा, तो y का मान समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 हमें अपने आप ही समझ आता है कि हमें मान कहाँ पे रखना है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है ना, बाई का तो आ गया, तो ऐसा समीकरण ढूंढना है जिसमें x के बराबर चीजें लिखी हो, तो x के बराबर तो यही है ना, तो x बराबर 3 और बाई की जगह पे 13 रख दिया, तो x बराबर 13 तिया 39, 13 तिया कितना हो जाएगा 39, तो यही x का मान हो जाएगा और ये y, अतः पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x मानी थी ना, तो पहली संख्या हो जाएगी 39 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13। ठीक है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं
कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो 13 तिया 39, तभी तो 39 बनेगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3। बहुत आसान सवाल है, बड़े ध्यान से समझना, लॉजिक के साथ में करेंगे। सबसे पहले हमें और उनकी हमें मासिक आय पता करनी है। तो हमें मासिक आय पता नहीं है लेकिन उनका अनुपात जरूर पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो व्यक्ति हैं और तो हम लिखेंगे कि माना पहले व्यक्ति की आय, और जब भी हमें अनुपात में दिया हो तो हम x लगा सकते हैं पीछे। तो माना पहले व्यक्ति की मासिक आय मान लेते हैं, मासिक आय बराबर 9x है, ठीक है। पहले व्यक्ति की मासिक आय हमने x मान ली और खर्च कितना मान लिया, 22। खर्च हमने कितना मान लिया, 22। पहले व्यक्ति की हमने आय कितनी मान ली, x, और खर्च कितना मान लिया, 22। ये हमने सबसे पहले लिख लिया। उसी तरीके से दूसरे व्यक्ति की आय, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इस सवाल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर दे रहा हूं और सरल हो जाएगा आपके लिए क्योंकि इसमें लेंथी हो जाएगी चीजें। पहले व्यक्ति की मासिक आय, इनका व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया गया है, तो आय जो है 9x और 7x है दो व्यक्तियों की, तो पहले व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, 9x। तो हम यही मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x व खर्च कितना हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो खर्च पहले पहला ही अनुपात 4:2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि आय को हम एक्स से दर्शा रहे हैं और खर्च को हम किस से दर्शा रहे हैं, 22 से। तो हम यहां पर लिख लेंगे कि चूंकि जो आय हम दिखा रहे हैं उसको हम एक्स से दर्शा रहे हैं और खर्च जो है उसे हम 22 से दर्शा दे रहे हैं। इतना आप लिख सकते हो, शुरू में भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। अब एक बात याद रखना कि दो व्यक्तियों की केवल आय का अनुपात है ये, यानी कि पहले व्यक्ति की आय 9x है और दूसरे व्यक्ति की आय 7x है, लेकिन दोनों क्या है, आय है। और यहां पे क्या दिया गया है, खर्चों का अनुपात, यानी पहले व्यक्ति का खर्च 4:2 हो जाएगा क्योंकि खर्च किससे दर्शा रहे हैं, 22 से। तो 4:3 है, तो पहले व्यक्ति का खर्च 4:2 हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो इसमें 22 लगाना है जिसमें खर्च है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि माना पहले व्यक्ति की मासिक आय 9x व खर्च कितना है, 4:2 है। तो यहां से 9 उठा लिया और यहां से 4 उठा लिया क्योंकि ये पहले व्यक्ति की आय है और ये क्या है, खर्च है। तो इतना कर लोगे, ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही करोगे और आप यहां पे क्या लिखोगे कि दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, और वो क्या लिखोगे आप यहां से, 7x, आय हो जाएगी 7x व खर्च कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, तो खर्च हो जाएगा 3:2। ये सवाल ऐसे करना है। अब हमें एक बात अच्छे से पता है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपये बचा रहा है, यानी पहला व्यक्ति भी 2000 रुपये बचा रहा है और दूसरा व्यक्ति भी 2000 रुपये बचा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट केस में या फर्स्ट शर्त में, यानी पहले व्यक्ति की बात हो रही है फर्स्ट शर्त में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आय होती है, ठीक है, जो भी हमारी आय है उसमें यदि हम अपना खर्च घटा दें, मतलब जितना हम कमाते हैं उसमें हम अपना खर्च घटा दें कि जो भी हमने खर्च कर दिया तो जो पैसा बचता है उसे हम बचत कहते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना है कि आय में से जब भी हम खर्च घटाते हैं तो बचत होती है। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी है, 9x, बहुत बढ़िया, ठीक है, और उसका खर्च कितना है, 4:2, फिर भी वो बचा कितना लेता है, 2000 रुपये। तो ये एक समीकरण बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट में भी यही बात है कि 2000 रुपये दूसरा व्यक्ति भी बचाता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की आय कितनी है, 7x, खर्च कितना होता है उसका, 3:2, तो वो घटा देंगे खर्च,
तो भी वो कितना बचाता है, 2000। यानी दोनों केस में वो बचाता 2000 ही है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो काफी आसान सवाल था, तो हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। अब समीकरण 1/2 से अगर हम ध्यान से देखें तो पहला समीकरण है 9x-4y बराबर 2000, समीकरण 1 है ये। और दूसरा समीकरण क्या है, 7x-3y बराबर 2000, 7x-3y बराबर 2000, समीकरण 2। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, y के गुणांक समान करेंगे, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लेंगे विलोपन विधि में, क्योंकि ये y का गुणांक यहाँ पे 3 है और यहाँ y का गुणांक 4 है, तो 3 का गुणा इसमें 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 होगा, 4 का गुणा इसमें इसमें और इसमें हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर ये करना है। 3 से करोगे तो 3 नाम 27x, माइनस है तो -30 चौके 12 y, और बराबर 2 3 6, यानी यहां पे आ जाएगा 6000, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। एक नया समीकरण है तो 3 बना लेंगे। अब 4 का करो, 4 7 28, 28x, 4 3 12 y बराबर 4 2 8, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि दोनों के चिन्ह समान है, तो जब भी चिन्ह समान हो और लेकिन गुणांक एक सा है, यानी 12y को 12y से हमें काटना था लेकिन कट नहीं रहा है क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर, क्योंकि घटाने में हम नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल देंगे। तो घटाने में क्या होगा कि पहले इनके ओरिजिनल चिन्ह लगा लो, ये प्लस है ये प्लस है, ये असली चिन्ह है इनके। अब इनमें गोला लगा के इसको पलट दो, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 12y से 12y तो कट गया, अब 28x में से 27x गया तो माइनस का x बच जाएगा। यहाँ देखो -8000 में से 6000 चले जाएंगे तो माइनस के 2000 बच जाएंगे। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस ही बचेगा ना, यहाँ भी माइनस की संख्या बड़ी थी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 2000। x का मान कहाँ रख देंगे हम समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर या 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो 9 और x की जगह पे हमने 2000 रख दिया और -4y बराबर 2000 रख दिया, तो 9 दूनी 18000, -4y और बराबर कितना हो जाएगा 2000, तो -4y बराबर 2000, और ये प्लस का 18000 इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18000, तो -4y बराबर हो जाएगा माइनस का 16000, क्योंकि 18 में से 2 घटेंगे तो माइनस का ही 16 बचेगा ना, तो 16 2 18 होते हैं, दोनों दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, तो 4y बराबर हो जाएगा 16000, तो y बराबर कितना हो जाएगा 16000 बटे 4, तो 4 चौके 16, यानी y का मान कितना आ जाएगा 4000। ठीक है, तो x का मान 2000 है और y का मान कितना है 4000 है, तो हम कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति की, और इन्होंने मासिक आय बस पूछा है, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी 9x और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी 7x है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आगे किसका के कि चूंकि पहले व्यक्ति की मासिक आय, या इसलिए पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी 9x थी ना, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी थी 9x। तो वैसे बाई का मान निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी लेकिन विलोपन विधि कर दी हमने, तो 9x का मान कितना आया था 2000 आया था, आपको याद हो, तो 9 दूनी 18000 पहले व्यक्ति की मासिक आय थी। अब हम यहां पे लिखेंगे दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय,
तो वो कितनी थी? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 7x जो है वो उसकी मासिक आय थी, यहाँ देखिए दूसरे व्यक्ति की मासिक आय, केवल आय पे फोकस करना है क्योंकि आय ही पूछा है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 7x, तो 7x की जगह पे हमने 2000 रख दिया, तो 7 दूनी 14,000 हो गया, और ये हो गई दूसरे व्यक्ति की मासिक आय। पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 18,000, और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 14,000, यही इस सवाल का आंसर है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, और पहले यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से, फिर इस तरफ का ले लेना। मैं एक बार आंसर मिला लूँ, ओके, 16,000 और 14,000, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से। चलिए आखिरी सवाल इस सीरीज का, सीरीज का तो नहीं, इस वीडियो का। तो मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खानजाची से, यानी कि जो पैसे देता है बैंक में, 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना, 50 रुपये की नोट देने के लिए कहा और 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा, यानी दो प्रकार के नोट कहे, कि 50 के नोट भी चाहिए मुझे और 100 के नोट भी चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, टोटल नोट कितने प्राप्त किए, 25। तो अब उसमें हमें ये पता नहीं है कि 50 के नोट कितने हैं और 100 के नोट कितने हैं, ये हमें पता नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, 50 के नोट को हम मान लेंगे कि 50 के नोटों की संख्या एक्स है और 100 के नोटों की संख्या वाई। हो सकता है 50 के नोट 20 हो सकता है 50 के नोट 4 हो, बाकी 100 100 के नोट हो, लेकिन टोटल नोट कितने हैं, 25 नोट हैं, और टोटल 25 नोटों की जो वैल्यू है वो 2,000 है। यानी 25 नोटों को 50 के नोट, ऐसे समझ लो कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 50 के नोट हैं और 100 के नोट हैं, 50 वाला छोटा मान लो और ये 100 के नोट है। तो अब ये टोटल कितने नोट है, टोटल 25 नोट है। अब ये नहीं पता है कि 50 के कितने हैं और 100 के कितने नोट हैं, 50 के हो सकता है 4 नोट हो, 5 नोट हो, 6 नोट हो, तो हमने उसको एक्स मान लिया। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि माना 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या, और वो हम मान लेते हैं एक्स है, और 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या, इसको हम मान लेते हैं कि ये है बाई। अब हमें अच्छे से पता है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि जितने 50 के नोट हैं, जितने 100 के नोट हैं, टोटल उन सभी को मिला दो तो उनकी संख्या 25 है, संख्या। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, फर्स्ट शर्त क्या कह रही है वो देख लेते हैं। फर्स्ट शर्त ये कह रही है कि मीना ने 50 और 100 के नोट तो लिए, लेकिन टोटल 25 नोट है, यानी 50 के नोट यानी एक्स और 100 के नोट यानी बाई, दोनों को जोड़ दे तो टोटल 25 नोट है, इसको हमने समीकरण एक बना दिया। बाकी इन्होंने कहा है कि उन्होंने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, बल्कि 2,000 रुपये निकालने के लिए गई थी, यानी कि ये जो 25 नोट है इनकी वैल्यू कितनी है, 2,000। तो हम ये भी बोल सकते हैं सेकंड शर्त से, यही बता दे रहे हैं, सेकंड शर्त ये कहेगी कि जो 50 के नोट है, अगर 50 का नोट एक है तो उसकी वैल्यू होगी 50 रुपये, अगर 50 के नोट दो है तो उसकी वैल्यू होगी 100 रुपये। इसी तरीके से 50 के नोट अगर एक्स है, अगर इसी तरीके से 50 के नोट अगर एक्स है तो उसकी वैल्यू होगी 50x रुपये, और उसी तरीके से अगर 100 के नोट वाई है तो उसकी वैल्यू होगी 100 वाई रुपये, और टोटल वैल्यू है कितनी, 2,000। इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर 50 का 1 नोट है तो वो 50 का कहलाएगा, लेकिन 50 50 के 2 नोट है तो वो 100 रुपये बन गए, यानी 50 50 के 2 नोट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। तो हम उसी तरीके से कह सकते हैं कि मीना ने टोटल 25 नोट प्राप्त किए हैं, जिसमें 50 के नोट भी हैं और 100 के नोट भी हैं,
लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है, 2000 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 50 के नोटों की वैल्यू 50x हो जाएगी और 100 के नोटों की वैल्यू 100y हो जाएगी, और टोटल, लेकिन वो वैल्यू टोटल है कितनी, 2000 है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि 2000, और इसको हमने समीकरण नंबर 2 बना लिया। इस बात को जो बच्चे समझ गए होंगे तो ये सवाल उनके लिए काफी आसान है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम चाहें तो समीकरण 1 से हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं, हम विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो प्रतिस्थापन से थोड़ा आसान लग रहा है, तो हम समीकरण 1 ले लेते हैं यहाँ पे, और समीकरण 1 को उठा लो, x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है। यहाँ से x का मान निकाल लो तो y का पक्षांतर हो जाएगा, तो 25 माइनस वाई हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। चलो अब जो x का मान है वो यहाँ पे रख दो, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमने इस तरीके से लिखा, समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो रख लेते हैं। तो 50 और x लिखा है ना, तो x नहीं लिखना, x का मान कितना है, 25 माइनस वाई, और प्लस कितना है, 100y, और बराबर कितना है, 2000। यानी पूरा समीकरण y के टर्म में आ गया, तो 25 पंचे 125, यानी टोटल 1250 हो जाएगा, और माइनस 50 का वाई में गुणा होगा तो 50y, और प्लस कितना है, 100y, और बराबर कितना है, 2000। अब जरा ध्यान दो, 100y में से 50y चले जाएंगे तो 100y ही बचेंगे, और बराबर 2000 पहले से थे, और ये प्लस का इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 1250 हो जाएगा। तो 100y बराबर 2000 में से 1250 घटाना है, तो ऐसे घटा सकते हो, हालांकि आप डायरेक्ट बता सकते हो लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। 0, 10 में से 5 गए बचे 5, ऐसे यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए बचे 7, और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आप इसको देख लो, 5, 5, 10 का सुन हासिल आ जाएगी, 1, 7, 2, 9, 1, 10 का सुन हासिल आ जाएगी, 1 और 1, 2, यानी बचेगा कितना, 750। तो y बराबर हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने कुछ गलती ना की हो तो हमारा आंसर आना चाहिए, आई थिंक ओके। यहाँ पे हमने गलती क्या कर दी है, 100 एक्स की, एक्स वाई का मान हमने निकाल दिया था, कोई बात नहीं। तो एक्स का मान कितना आना चाहिए, वाई का मान 15 आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ कोई मिस्टेक की है। अगर 25 माइनस वाई है तो 25 माइनस वाई, 25 पंचे 125, 0 यानी 1250, माइनस 50y, प्लस 100y बराबर 2000। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने सही लिखी है। अब यहाँ पे हमने देखा कि 100 यहाँ पे बचे, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ पे 100 में से 50 जाएंगे तो 50y बचेंगे, और बराबर 2000 क्या हो गया, ओके, 100 में से 50 जाएंगे तो 50y बराबर कितना होगा, 2000, ये जो का और इसका होगा पक्षांतर, तो 1250 बचेगा। अब 50y बराबर यहाँ बचेगा कितना, 750, ये बिल्कुल सही था। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 750 बटे 50, तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 पौने 75, तो y का मान कितना आ रहा है, 15, ये y का मान है, और y का मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये देख लो आप, मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। तो y का मान समीकरण 3 में, तो देखो x बराबर 25 माइनस y की जगह पे 15 रख दो, तो 25 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। ठीक है, क्योंकि 10 और 15 ही 25 होते हैं, तो एक्चुअली x का मान कितना हो गया, 10। तो हम कह सकते हैं कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 10 है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 10, और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 22, यानी 15 है, ये आप लिख सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काफी अच्छा सवाल था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इस तरीके से मुझे लगता है खत्म हो गया है। तो ये था अपना चैप्टर जिसमें हमने समझा कि इस चैप्टर 3 में कौन कौन से मोस्ट IMP सवाल हैं जो आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए, और जिस बच्चे ने यहाँ तक कर लिए हैं उसका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस इन पे रिवीजन करना है, बार बार इनको दोहराना है, तो आपकी तैयारी बहुत गजब की हो रही होगी, और आप इसको अच्छे से कर लीजिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, आप जरूर इनको तैयार करिए,
अच्छे से रिवीजन करते रहिए, और ये कंप्लीट सीरीज मैं बना रहा हूँ। तो आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।